हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसेस कट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो किस तरीके से हम कटिंग करेंगे और ये हाथ मैंने कटिंग किया है लंबी आस्तीन, इसे किस मेथड से कटिंग करें जो यहाँ पर फुलाम नहीं आए। और ये देख सकते हैं, मैंने इसे प्रिंसेस कट को डायरेक्ट कपड़े पर कट किया है। इसमें मार्जिन भी ऐड है, डायरेक्टली ऐड है। तो किस तरीके से मैंने किया है आप ये देखिए, आपको तरीका आपको पसंद आएगा। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, तो आप इसे एक बार ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इसका पूरी लंबाई 13, अपर चेस्ट 29, फुल चेस्ट 30, कमर 24, पीछे गला 10, आगे गला 6, आर्म होल 13, हाथ लंबाई 10, हाथ घेर 8। तो ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट से मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी यहाँ पर नीचे। उसके बाद में हम मेजर करेंगे इसका पूरी लंबाई। तो पूरी लंबाई इसकी 13 है, तो 13 है तो हमें 1 इंच प्लस 14 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे 14 रखेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा के लेंगे और एक निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन मारेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर में 2 इंच माइनस कर देंगे। तो इसका शोल्डर है 7.5 है, 13.5 का शोल्डर है, 13.5 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा। और यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे, 2 इंच, क्योंकि 10 इंच गला खुली है। अब यहाँ से हम चेस्ट मेजर करेंगे तो 29 का चौथा भाग आएगा। किस तरीके से करना है, जैसे कि देखिए 29 है, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए 14.5 का हाफ करेंगे तो आया 7.5। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड निकालने हैं चौथा भाग। यहाँ से हम एक निशान यहाँ लगाएंगे और 1.5 इंच पर एक मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम कमर का मेजर निशान लगाएंगे, तो कमर का 24 चौथा भाग आएगा 6, उसमें हम 3 इंच का टक्स देंगे। 3 इंच में नहीं, 3.25 का लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत पतला है मेजरमेंट। अब हमें इसे मिला देना है। एक निशान 1.5 इंच का यहाँ पे लगाना है और यहाँ से सीधी लाइन, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 0.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे यहाँ से 0.5 इंच, और इसे यहाँ पर हम शेप देंगे। उसके बाद में इस तरीके से हमें यहाँ पर कप शेप देना है। अब इसका आर्म होल कितना है, 13, तो 13 का आधा होगा 6.5, तो हमें यहाँ से 0.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ करके मेजर करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आया 6, हमें कितना चाहिए, 6.5, तो हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन करके ये देखिए यहाँ पर 6.5 आ गया है। और यहाँ से हमें थोड़ा सा इस तरीके से 0.5 इंच तिरछा करना है, इतना सिर्फ यहाँ पर। ये हमारी ये वाली लाइन हो गई। और अब गला लेंगे, गला हमारा गले शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच, गला हमारा है 10, तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। इसकी ब्रॉडनेस हम 2.5 इंच की देंगे। यहाँ से 0.5 इंच का डाउन, जब आपकी गला खुली होगी तो यहाँ पर 0.5 इंच का डाउन देना है। और यहाँ से शेप देंगे गोल शेप। आपको अगर गोल शेप देना तो गोल शेप भी दे सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ से पान गला भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप पान गले का भी शेप
दे सकते हो। अब हम इसे कटिंग करते हैं। अभी हमें इसे कट नहीं करना, जब हम आगे का पार्ट बना लेंगे तब हमें इसको कट करना है। जब हम गला कट करेंगे तभी हमें इसे कट करना होता है। तो ये देखिए मेरा ये कट हो गया। अब इसे हम इस तरीके से हाफ करेंगे, यहाँ से एक कट, यहाँ से हम तिरछा कर देंगे। अब हमें आगे का पार्ट बनाना है, उसके पहले हम हाथ बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से इसे फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम एक लाइन पहले मार के लेंगे, यहाँ से हाथ लंबाई 10 है तो 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि पतली लेडीज हैं तो इनके लिए 3.25 बहुत है, नहीं तो हम 3.5 इंच पर उतारते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मार के लेंगे। इनका आर्म होल 6.5 का हाफ, 6.5 यहाँ से, फिर यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा और 4 इंच हमारा हाफ गेयर, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें यहाँ पर बीच में इस तरीके से लाइन मारनी है और इसके हाफ में यहाँ पर हम इसे मिला देंगे, तो इससे क्या होता है यहाँ पर हमारा झोल नहीं आता है। और यहाँ से 1/2 इंच अंदर, ये देखिए 1/2 इंच, यहाँ से लगभग 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे हम मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से हम गोलाई देंगे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 1/2 इंच नीचे इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे और यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये आगे का, ये पीछे का पार्ट। इस तरीके से अगर आप हाथ कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा फिटिंग आएगा आपके हाथ का। अब हम आगे का पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है, इसे जैसे कि ये हमारा ऐसे पहले था, हमने यहाँ से पहले आगे पीछे का पार्ट निकाला था यहाँ से देखिए, और यहाँ से हाथ निकाला है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, पलटी करना है। अब यहाँ से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे कि ताकि हमें पता रहे कि कितना इंच हमें ऊपर रखना है इसे। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से रखना है और इसके हाफ में यहाँ पर जैसे हमारा प्रिंसेस कट यहाँ से ड्रॉ होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें एक निशान ले लेना है पहले, और यहाँ तक हम इसे सेम निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम 1/4 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1/4 इंच ऊपर रखेंगे इस तरीके से। हम आगे एक निशान लगा देंगे इसके, और हमें इसे ऐसे चढ़ाना है तो हम यहाँ पर बरोबर हमारा ये आ जाएगा। इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, देखिए पहले कैसे रखा था पहले देख लीजिए बरोबर। ऐसे हमने आधे पे निशान लगाया
फिर 1.25 इंच ऊपर लिया और फिर उसके हमें ऐसे चढ़ा देना है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रिंसेस कट में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड जो करना पड़ता है पेपर में, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा मार्जिन के साथ में कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पहले शोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंची और गला हमारा है आगे का 6। तो इस तरीके से हम 6 पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए आप इसे इस तरीके से भी पंचकोनी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखिए, अब हम फुल बस्ट का यूज करेंगे। तो फुल चेस्ट हमारा कितना है 30, तो 30 का चौथा भाग हमारा होता है 7.5। 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। अगर हाइटेड महिला है, हाइट उनकी ज़्यादा है, तो आप 9 पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 8.5 पे निशान लगाएं, चाहे तो आप 1/2 इंच नीचे भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब चेस्ट के चौथे में 1 इंच प्लस किया है। अब हमें जैसे कि हमारा चेस्ट है 30 में हमें इस तरीके से चौथा भाग लेंगे तो 7.5 आता है। 7.5 को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए कितना आया, 1/4 आया है। तो यहाँ से हम 1/4 इंच बाहर निकाल के उतने पे ही निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखना है कि कितना बचा, तो 3 बचा है, तो फिर से 1/4 इंच बाहर निकाल के 3 पर निशान लगाना है। इस तरीके से अब हमारा देखिए यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर मेरा 2.25 है, तो यहाँ पर भी मैं 2.25 पर निशान लगाऊंगी और इसे इस तरीके से तिरछा लाइन ड्रॉ करूंगी। तो देखिए मैंने एक टुकड़ा लिया है, ये बीच में हमें कितना गैप देना है उसके लिए, तो हमें पहले पेपर को इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है लगभग 4 इंच ऊपर और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम 1 इंच दूरी पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसे मिला देंगे, इसे कट कर देना है फटाफट। आप अगर ये ट्रायंगल एक बार बनाएंगे तो आपको प्रिंसेस कट में कभी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हर साइज में काम में आता है। अब हमें इस ट्रायंगल को यहाँ पे रखना है, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखेंगे 2.25, यहाँ पर भी 2.25 पे निशान लेंगे। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे कितना इसका गैपिंग है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितने में कितना गैप देना है, कितनी चौड़ाई देनी है। इसके लिए ट्रायंगल का यूज किया जाता है, नहीं तो हम ऐसे भी निशान लगा सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर हम इसे सीधा ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, और ये जो हमारा यहाँ पर जो लाइन आया है इसे हम इससे मिला देंगे। ये गलती से निशान लग गया है, इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर 1/4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें गैप देना है पहले, उसके बाद में हमें अब हमें ट्रायंगल को बिठाना है, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है इसके लिए। इस तरीके से हमें यहीं पे बिठाना है, जो लाइन आया था हमारा इस पे नहीं, इस पे। अगर हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना होता तो हम पेपर पे अगर कटिंग करते तो ये फॉर्मूला सही था पहले वाला, लेकिन हमें इसी में मार्जिन भी ऐड कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर मैं 1/4 इंच पहले बढ़ा ले रही हूँ, उसके बाद में इसे ट्रायंगल को रखा है और इधर पे निशान लिया है। तो अब हमारा जो 2.25 इंच आया था, यहाँ से 2.25 इंच पे ही निशान लगाना है इस तरीके से, और इसे हम सीधा लाइन मार के लेंगे।
तो अब यहाँ पर हम 2.5 इंच निशान लेंगे नीचे। अगर आपको चाहिए तो 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो। अगर आपको लंबी, आगे से लंबी बनानी है तो 2.5 इंच रखिए। परफेक्ट बनाना हो तो 2 इंच भी रखेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। यहाँ से मैं 3 इंच डाउन कर रही हूँ, नीचे ले रही हूँ, यहाँ से 2.5, यहाँ से 3। अब हमें इसे शेप देना है तो इस तरीके से हम शेप देंगे। देख सकते हो आप, अब हम यहां से मेजर करेंगे हमारा लाइन। तो कमर मेजर करना है, तो जैसे कि यहाँ पे 2.25 इंच आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2.25, तो यहाँ पे 2.25 को रखेंगे और कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 24, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। अब इसे हमें सीधी, पहले तो हमें सीधी लाइन मारनी है इस तरीके से, और हमें इस पार्ट को उठा करके यहाँ पर रखना है, ऐसे ऐसे मिलाना है। यहाँ पे हमने रखा है बरोबर, ये जो हमारा निशान आया था यहाँ पे रखना है और ऐसे मैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं, अब इसे हमें इस तरीके से शेप दे देना है। आप अगर चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो देखिए, ये मेरा प्रिंसेस कट कंप्लीट हो चुका है। ये इसका 1.5 इंच का ये मार्जिन, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। किस तरीके से कटिंग करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे कट करना है। अब यहाँ से, तो इसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, यहाँ पर हम शेप देंगे कैसे, दोनों में हमें शेप देना है। तो यहाँ से देखिए, ये हमने 1.25 इंच का गैप दिया है, तो आधे में हमें निशान लगा देना इस तरीके से। और यहाँ से देखिए, ये हमारा एक लाइन यहाँ पे जा रहा है और एक लाइन वहीं से हमें यहाँ से हमें इसे ड्रॉ करके लेना है। तो इसी लाइन से यहाँ पर मैच हो जा रहा है और यहीं से हमारा यहाँ पर शेप देना है, जहाँ से देखिए आपको मैं ये जो हमारा शेप गया है यहाँ पर, और यहीं से हमें ये शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हमारा मार्जिन भी ऐड हो चुका है। तो क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे कट करना है। यहाँ पर हमें इसे डाउन करके लेना है, इसे इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करके लेनी है, जितनी आपको सिलाई मार्जिन चाहिए। अब पंचकोनी अगर रहे आपका, तो यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन ही कर ले, क्योंकि पंचकोनी में डाउन करना पड़ता है, छोटा हो जाता है गला, इसके लिए थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा के ही रखें। तो ये देखिए, ये प्रिंसेस कट कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्ट मैंने कपड़े में कट किया है और मार्जिन के साथ में ऐड किया है। तो आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी है, इस आप मुझे कमेंट करिएगा। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
अब हमें सिलाई मारने के बाद में एक बार आर्मोल को जरूर चेक करना होगा। अगर आर्मोल अगर आपको छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पर आप छाड़ भी सकते हैं, नहीं तो छाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है, गारंटी के साथ में मैं कहती हूँ। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी मैं सिलाई की वीडियो भी ज़रूर डालूंगी, आप देखिएगा किस तरीके से इसका फिटिंग आया है, लुक कैसा आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।